वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? और अभी घड़ी में बहुत कम टाइम हो रहा है, कम टाइम के लिए ज़्यादा हो गया टाइम। ब्लॉगिंग में स्टार्ट लेट कर रही हूँ थोड़ा, और मैं अपने रूम में होके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ कम आती है। हस्बैंड जी गए हैं, आधा घंटा हो गया। पापा भी मेरे चले गए हैं वापस, और मैं यहाँ पे वही कमरे में अपने एज़ यूज़ुअल झाड़ू लगाने का काम कर रही हूँ। चलो झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद देखते हैं खाना क्या बना। अभी बर्तन रखा है धोने को, वो भी धोना है मुझे। तो फ्रेंड्स, मम्मी मेरी नहा रही हैं और यहाँ पे मैं सारे बर्तन को भिगो देती हूँ कि भीगा रहेगा तभी तो छूटेगा। ठंड में बर्तन जो है बहुत करकरा जाता है, करकरा जाता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं भिगोने जा रही हूँ, और इसके बाद खाने में मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। क्योंकि आपने सुना आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे आलू टमाटर पसंद है और हमेशा मैं दूसरों की पसंद का ही बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी पसंद का बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रही हूँ, उसकी रेसिपी कोई नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कैसे बनता है आलू टमाटर की सब्ज़ी। उबाल के वही लहसुन प्याज मिर्चा, आलू को उबाल के वही लहसुन प्याज मिर्च से छौंकते हैं, मसाला डालते हैं, धनिया की पत्ती डालते हैं, बस उसी तरह बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बना लेते हैं। आलू रख देते हैं बॉईल होने को, हालांकि नहीं आलू आ रही, उसको धोना है मुझे पहले। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रात में जो मैंने निमोला बनाया था, तो ये एक कटोरी बचा हुआ है, तो इसको मैं खाली करके कढ़ाई भी धो दूंगी और इसे हम लोग खा लेंगे थोड़ा बहुत अपना इधर उधर बांट के। इसके बाद किचन पूरा क्लीन कर देती हूँ। सोचिए मैं खाना भी बना रही हूँ और एक तरह से किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फैला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए सीटी भी बज चुकी है, अब छौंक लेते हैं अपने सब्जियों को। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, हल्का सा मैं सो कर देती हूँ, आप देख लेना फास्ट मोड में। हाँ तो फ्रेंड्स, कहीं से इनको डल पट्टी दिख गई होगी, तो वो ये लेके आए हुए हैं और बहुत टाइट है, टूट नहीं रहा है, मतलब आपस में चिपके हुए हैं, देख सकते हो डबल दिखा होगा। और यहाँ पे ये लाई जो है कुछ मैं लेके आई थी, मौसी जी ने दिया था, वो लोग नहीं खाते हैं तो मुझे दे दिया था। हम लोग इसे भूज के खा लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं खाते उतना, तो ले आए थे, तो यही जो है मैं भूज देती हूँ। ये हम लोग का है और ये मम्मी का है। तो फ्रेंड्स, डिनर में जो है मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, तो मैंने सोचा हल्की फुल्की रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने तेल ले लिया है, तेल गर्म होने के बाद इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा टटकने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा से मटर, और मटर पहले भून लेंगे क्योंकि मटर कच्चे होते हैं तो उसको पहले पका लेंगे। तो ये देखिए मटर भून रहे हैं मेरे अच्छे से। इसके बाद इसमें डाल देंगे मसाला, मसाले में हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब चीज़ें हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को धीमी आँच पर भुना है मैंने एकदम, ताकि जले ना। उसके बाद ये आलू है, बॉयल्ड आलू मैंने ले लिया था, इसको अच्छे से मिक्स करके मैश कर लेंगे। और इसमें मैंने नमक भी ऐड किया हुआ है,
नमक ऐड किया हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी इसमें रहे ना कुछ भी वो लम्स, मतलब पराठे फटे ना, इसलिए इसको मैश कर लेना है अच्छे से। और बस हमारे पराठे गर्मा गर्म सेक लेने हैं भर के आटे में। ठंडी के सीज़न में अगर आलू के पराठे नहीं खाए तो फिर क्या खाया। और ठंडी के सीज़न में कई प्रकार के पराठे बनते हैं, तभी तो ठंडी में खाने की वैरायटियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सब मज़ा आ जाता है खाने का। और गर्मी में सोचना पड़ता है क्या खाएं। ठंडी में तो गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बहुत वैरायटी के पराठे बना सकते हैं। हर एक बात सुनता है। अरे आके भाग गया। चलो नीचे चले, चलो चलो नीचे चले। देखा, हर एक चीज़ समझता है नीचे ऊपर। चलो नीचे, नीचे चलो, नीचे चलो मैक्स, चलो 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 चलो, उतरो आओ। मटक मटक के हाँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ही जा रहा था तो मेरा बड़ा मन कर गया कि मैं ले लूँ, और मैंने सड़क पे जा रहा था ऐसे टोकरी लेके, और मैंने उसे ख़रीद लिया है सड़क पर से। और क्या है वो चीज़ आप लोग, सड़क पर से क्या खरीदी है? तो ये सड़क पर ही लेके लोग जाते रहते हैं ज़्यादातर, और लोग मंगा लेते, लेकिन वो टोकरी में लेके जा रहा था, ठेले पर नहीं। बेचारा सोचिए कितना मुसीबत में होगा जो टोकरी में लेके जा रहा है। ठेले वाले ठेला खरीद लेते, लेकिन उसके पास ठेला नहीं था, शायद वो टोकरी में लेके जा रहा था। तो मैंने खरीद लिया है यहाँ पे एक सुंदर सा गुलाब का फूल, ये मैं लगाने वाली हूँ बहुत जल्दी। अभी लगाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, या इसी ब्लॉग में देखिएगा, बने रहिएगा कि इस ब्लॉग में लगाती हूँ। तो ये ख़रीदा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको मैं लगाऊंगी अपने। ये मैंने इनसे पूछा कि कहाँ लगाए, छत पे लगाए कि कहाँ लगाए, तो इन्होंने कहा कि बारजे पे लगाओ अच्छा लगेगा। तो मैं यही बारजे पे ही लगाऊंगी, और ताकि बारजा जो है सुंदर दिखे। इसको रख देते हैं संभाल के। और इसके बाद एक और जो मैंने लिया है वो ये है, ये गेंदे का फूल जो है ये लेके आया। और मैंने एक बार कहा और एक बार में जो है ले आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, कितना कुछ सुंदर है ना। तीन ठो जो है निकला हुआ है, और बाकी सारी कलियाँ हैं। कुछ आवाज़ किया था तो वही मैं देखने चली गई थी। और थोड़ा सा आज का व्लॉग शायद आप लोग को पसंद आया होगा। और क्या कहते हैं, मेरा नेट बहुत ख़त्म हो गया है, मेरा नेट नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से वीडियो अपलोड करती हूँ, डालती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। और हाँ, तो फ्रेंड्स, मेरी आज की पहली सब्सक्राइबर है जिन्होंने सबसे पहले मैसेज किया है, प्रमिला जी, उनका यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। उन्होंने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था, और आप लोगों में सबसे पहले मैसेज करने की उत्सुकता देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कोशिश करिए सबसे पहले मैसेज करने की। और इन्होंने स्पीकर जो है वो लगा दिया है, और मैक्स यहाँ डर के भाग आया है, ये देखिए। और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।